काफी विद्यार्थियों के द्वारा लगातार कमेंट बॉक्स में कल से ही मैं देख रहा हूं कमेंट प्राप्त हो रहा है कि सर ओ में क्लास इलेवेंथ एडमिशन के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी होगा क्योंकि काफी दिन से आप लोग ऑनलाइन आवेदन वगैरह करके वेट कर रहे हैं तो चलिए अभी के इस वीडियो में यही समझेंगे आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा तो देखिये ओ ने ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया समाप्त करके आपका यहाँ पे पोर्टल वगैरह क्लोज कर दिया है अब यहाँ पे आपको क्लियर समझना है कि अब देखिए बीच में आपका अब तक मेरिट लिस्ट आ गया रहता क्योंकि बीच अपना स्टूडेंट लॉग इन करके देख रहे थे तो आपका वहां पर एक डाउनलोड इंटीमेशन का विकल्प मिल रहा था बट फिर पटना हाईकोर्ट का यह निर्णय आया जो छात्र हित में काफी अच्छा निर्णय था कि क्योंकि पहले बिहार बोर्ड क्या बोल रहा था कि आपको जहां से आप मैट्रिक किए आपको मजबूर किया जा रहा था कि वहीं से आप इंटर की पढ़ाई करेंगे बट पटना हाईकोर्ट में केस चला उसने यहां पे निर्णय दिया कि नहीं जो विद्यार्थी जहां से इच्छा हो वहां से अपना इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तो इस वजह से फिर से को पोर्टल ओपन करके आपको ऑनलाइन आवेदन करने का कॉलेज के विकल्प में बदलाव करने

प्रक्रिया लागू कर दिया गया तो पुराना वाला प्रक्रिया में क्या था कि आज आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो आज से ही जहां पे आपका नाम होगा वहां पे जाकर आप नामांकन ले पाएंगे अभी आप देख रहे हैं स्कूल वगैरह में छुट्टी चल रहा है ठीक है पीछे तो शिक्षा विभाग की तरफ से ही गर्मी का छुट्टी कर दिया गया था दो तो दिन और बकरी वगैरह का छुट्टी है उसके बाद स्कूल खुलेगा तब आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा क्योंकि जिस दिन मैं बोला कि मेरिट लिस्ट आएगा उसी दिन से आप जाकर नामांकन ले सकते हैं और अभी छुट्टी हुआ है तो आप जानते हैं टीचर वगैरह सब किसी का छुट्टी है स्कूल वगैरह खुल नहीं रहा है इसी वजह से आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आने में समय लग रहा है और फिर से विद्यार्थी अपना कॉलेज का विकल्प में बदलाव किए तो उस हिसाब से कॉलेज का आवंटन वगैरह भी किया जा रहा है इसी वजह से समय लग रहा है दिनों में जैसे ही स्कूल खुलेगा ओपन होगा आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले एक से दो दिन पहले से आप स्टूडेंट लॉग करके देखते हैं तो आपका सारा डाटा वहां पर ओपन होने लगता है तो जो विद्यार्थियों के द्वारा लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि कब तक मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं क्लियर आपको समझा दिया कि जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उसी दिन से आपको जाकर जिस भी प्लस टू विद्यालय में आपका नाम आएगा वहां पर जाकर आपको नामांकन लेना होता है चूंकि हर एक टेन प्लस टू विद्यालय में स्कूल में अभी छुट्टी चल रहा है टीचर का भी छुट्टी है तो इसी वजह से मेरिट लिस्ट आपका जारी नहीं किया जा रहा है और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि काफी विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज के विकल्प में बदलाव किया तो उस हिसाब से पहले क्या था मेरिट लिस्ट तैयार था कि आप आप जहां जहां से ना जहां से नामांकन मैट्रिक है वहीं इंटर करेंगे लेकिन अब होगा आएगा जैसे पिछले साल यहाँ पे आप देख रहे थे देख रहे होंगे उसी तरह इस साल का भी कटअप लिस्ट तैयार हो रहा है जिस विद्यार्थी का जिस स्कूल कॉलेज के वरीयता आप जैसे भरे होंगे जितना आपका मार्क्स होगा उसी के हिसाब से कटअप लिस्ट जारी करके तब करना

मेरिट लिस्ट को लेकर यहां पे सबसे ऊपर पोस्ट है सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है आप क्लिक करेंगे आपके सामने नामांकन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी की अब आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा फिर 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 द्वितीय तृतीय स्लाइड अप होगा एडमिशन वगैरह का मौका मिलेगा यहाँ पे पूरा जानकारी है जैसे ही जारी होने वाला होगा यहाँ पर आकर विजिट कीजिएगा डेट आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है प्रथम मेरिट लिस्ट का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा यहाँ पे बार नंबर मोबाइल नंबर कैप्चा भर के प्रिंट बटन पे क्लिक करके अपना यही से आपका मेरिट लिस्ट प्रिंट आउट निकालकर आपको जाना होगा जहां पे भी नाम वगैरह होगा वहां पर नाम

पॉइंट डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद